चलिए अगली राशि का रुख करते हैं, तो लियो की बात कर ली जाए, तो लियो राशि के लिए जो कार्ड निकल कर आते हैं ये कार्ड्स हैं लियो राशि के लिए। सिंह राशि, सिंह राशि काफी डोमिनेंट साइन माना जाता है, किसी के आगे आप नहीं झुकते, किसी की बात आप नहीं सहते। तो पहला कार्ड निकल कर आया है टू ऑफ हार्ट्स का, जो बताता है कि लव के लिए 100/100 वाला, मतलब जिसे बोलते हैं सप्ताह है आपका, प्यार के बदले मिलेगा प्यार, और मतलब फुल ऑफ लव रहेगा आपका हार्ट, और मतलब इमोशनल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी, पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। दूसरा कार्ड निकल कर आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो ये बताता है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आपकी लाइफ में, कोई आपका मेंटोर, कोई आपका गाइड, हो सकता है आपके पिता, बड़े भाई, कोई बॉस, जिन्होंने आपके जीवन में आपको गाइड करने में हमेशा आपका साथ दिया हो, ऐसे व्यक्ति का रोल आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस सप्ताह। वहीं टेन ऑफ हार्ट्स का कार्ड किसी समारोह में जाना या किसी सामाजिक गतिविधि में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी धार्मिक उत्सव में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगली राशि का रुख करें आप, अगली राशि है वर्गो, वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए तीन कार्ड्स मैं निकालती हूँ। कन्या राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आते हैं, देखिए सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो कार्ड है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का। अपनी हेल्थ का रखें आप ध्यान, क्योंकि अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, ये कार्ड ये बताता है, रेस्ट लीजिए। वहीं एस ऑफ हार्ट्स कहता है कि आपके प्यार में जैसे ना दोबारा से रोमानियत जाग जाएगी, रिकिंडलिंग ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप नई शुरू हो सकती है, जो सिंगल है उनके लिए कोई संबंध स्पेशल की एंट्री हो सकती है। थ्री ऑफ हार्ट्स का कार्ड कहता है कि दोस्तों के साथ आप लव तो होगा ही, साथ साथ दोस्तों के साथ आप मस्ती करते हुए भी दिख रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, किसी मूवी को देखने जा सकते हैं, या किसी मॉल में आप ऐसे ही स्ट्रोल करते हुए दिख सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, सिर्फ अपने हेल्थ के लिए आपको वॉच करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगली राशि का रुख करें, तो अगली राशि है लिब्रा, लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि, मैं बहुत तुला राशि वालों को जानती हूँ, इनके लिए भी बहुत बैलेंस्ड होते हो आप लोग, और आप लोगों के साथ ये है कि इतने संतुलित होते हो कि आप एक्सप्रेस ही नहीं करते हो कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, बट होते बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हो। तो चलिए आपके लिए मैं तीन कार्ड्स निकालती हूँ। तो आपके लिए कार्ड्स क्या, क्या खूबसूरत कार्ड्स निकले हैं आपके। तो पहला कार्ड निकल कर आया है हीरो फ्रेंड का, जो कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद रहने वाला है आप पे, गुरुओं का आशीर्वाद रहने वाला है। कोई अरेंज्ड मैरिज हो सकती है, अगर आपकी खुद की मैरिज की प्लानिंग चल रही थी तो वो तो हो ही जाएगी फिक्स, तो अरेंज्ड मैरिज का योग बनता है। या फिर आपके परिवार में किसी की मैरिज के बारे में आप सोच रहे थे और इस स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है कि चलो शादी की बातचीत कर ली जाए, तो अब बनती हुई नजर आ रही है बात। वहीं दूसरा कार्ड स्टार कार्ड ये बताता है कि होप, जो आप होप कर रहे हैं वो फुलफिल होगी, पॉजिटिव होप के फुलफिल होने के चांसेस हैं। आपका स्पिरिचुअल चीजों में इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी में इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे समय में जब ऐसे कार्ड निकल कर आते हैं तो मैं आपको कहती हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शंस मिलेंगी, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस मिलेंगी। वहीं टेन ऑफ वांड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो मुझे ये बता रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, या कोई मसल प्रॉब्लम ना हो, ऐसी चीजों से थोड़ा सा अपने आपको बचा कर चलना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का स्ट्रेन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट साइन। तो अगला साइन है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के बारे में वेरी डीप साइन, आप लोगों के साथ एक बात मैंने देखी है, वृश्चिक राशि वाले विंडिक्टिव भी बहुत आते होते हो, मतलब ठीक है इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा जुड़ते हो लोगों के साथ, लेकिन अगर किसी से खुंदक आ जाए तो मतलब फिर तो आप जब तक वो खत्म ना हो जाता तो उसका पीछा नहीं छोड़ते, ये होता है ना आप लोगों के साथ। चलिए अब आपके कार्ड्स को देखती हूँ, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। पहला कार्ड तो फोर ऑफ वांड्स का, जो कहता है कि आप अपनी सफलता के आयाम खड़े करेंगे, तो जो जॉब नहीं है आपके पास तो जॉब मिलने के चांसेस हैं, और आपको बहुत ही प्रशंसा के साथ वो जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिवली आपको प्लेसमेंट मिलेगी। दूसरा कार्ड ये भी बताता है अरेंज्ड मैरिज का योग है, रेजिडेंस शिफ्टिंग का योग है, इस तरह की चीजें नजर आती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो प्रॉपर्टी डील आपके लिए फायदेमंद होगी। वहीं दूसरा कार्ड टू ऑफ वांड्स का ये बताता है कि
किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रतीक्षा और करना पड़ सकता है, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में जरूर आएगा। तीसरा कार्ड निकल कर आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का, जो कहता है काफी व्यस्त होने वाले हैं आप, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके पास टाइम ही नहीं होना, आप बहुत बिजी होंगे इस सप्ताह के आखिरी तक, तो आप बस आप जो जो चीजें अपने इधर उधर की करनी है फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इस सप्ताह के आखिरी तक तो आपके पास टाइम ही नहीं होना, इतने बिजी हो जाएंगे आप लोग जी।